हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मौज से होंगे। तो दोस्तों, आयुष्मान खुराना की नई मूवी ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर आउट हो चुका है और आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, ड्रीम गर्ल का फर्स्ट पार्ट जो आया था आज से 3-4 साल पहले, तो यो मूवी ज़बरदस्त रही थी। आयुष्मान खुराना ने उसमें लड़की का रोल निभाया था और लड़के का भी रोल निभाया था, दोनों कॉम्बिनेशन, और ज़बरदस्त कॉमेडी थी भाई साहब उसमें, तो बहुत ही खतरनाक कॉमेडी थी यदि आपने देखा होगा। और वह मूवी जो थी सुपर हिट भी थी। ठीक है दोस्तों, तो जो अभी का जो नई मूवी आ रही है ड्रीम गर्ल 2, तो उसमें आयुष्मान खुराना का वही पुराना रोल है। इसमें भी वो लड़की का रोल निभाते हैं और उसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं जैसा कि पहले भाग में बनाया गया है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इस पार्ट में ऐसा क्या थ्रिलर आता है, ऐसा क्या कॉमेडी आती है। और जहाँ तक दोस्तों इसमें लीड रोल की बात करें तो आयुष्मान खुराना हैं ही, उनके साथ एक्ट्रेस में है अनन्या पांडे। दोस्तों यहीं पे मेकर्स ने थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गलती कर दी, उनको एक्ट्रेस में अनन्या पांडे को शायद नहीं चुनना चाहिए था, किसी और को देखना चाहिए था, क्योंकि ऐसा लग रहा है अनन्या पांडे की अभी तक की जितनी भी मूवी आई हैं सभी फ्लॉप ही रही हैं। और दोस्तों, और आज के डेट में जैसा आपका पता होगा कि लोग बाग अनन्या पांडे की एक्टिंग स्किल्स को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ऐसी मूवी में जबकि आयुष्मान खुराना की कुछ पुरानी मूवी उतनी हिट नहीं जा रही हैं, उस हिसाब से अभी तो कुछ ऐसे ही एक्ट्रेस लेना चाहिए था जो कि मूवी को हिट कराएं, जिसे लोग बाग पसंद करते हैं। और इसमें साथ ही साथ उनके पिताजी चंकी पांडे जी भी हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं यह फिल्म के ऊपर क्या प्रभाव डालती है। यदि बाई चांस यदि यह फिल्म सुपर हिट रहती तो ठीक है, यदि फ्लॉप होती है तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं तो अनन्या पांडे को ब्लेम करेंगे कि यह फिल्म उनके कारण फ्लॉप हुई है। तो दोस्तों देखिए कैसा रहता है। बाकी ट्रेलर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं तो बोलता हूँ कि देखना चाहिए मूवी, जाके थिएटर पे देखना चाहिए, बाकी नहीं तो कुछ दिन में OTT प्लेटफॉर्म में तो आ ही जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल ट्रेलर तो बहुत अच्छा रहा और उसमें जो पुराने कैरेक्टर हैं वो भी तो बहुत ही खतरनाक एक्टर हैं और उनकी तो कॉमेडी फर्स्ट पार्ट में ही बहुत ही ज़बरदस्त रही है, तो सेकंड पार्ट में भी उम्मीद है कि अच्छी ही होगी। ट्रेलर में उतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, बस इतना समझ में आता है कि स्टोरी लाइनअप वही चलती है, लड़की बनना, लोगों को बेवकूफ बनाना, सब वही चलता रहता है। तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है यह मूवी, अब रिलीज हो तो फिर मालूम चले। तो दोस्तों आपको कैसा लगा पर्सनली यह ट्रेलर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। मुझे तो फिलहाल अच्छा लगा, ट्रेलर अच्छा है, ज़बरदस्त है। अब देखते हैं कि मूवी क्या हिट होती है या फ्लॉप होती है, वो तो रिलीज होने के पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही रिव्यू मैं करता रहता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।